वैशाली, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो है डिसाइल के ऊपर, और आज हम डिस्कस करेंगे थॉरली डिसाइल टॉपिक, ओके, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके फॉर्मूलाज, इसकी डेफिनेशन और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एंड आई होप कि एंड ऑफ द वीडियो तक ये टॉपिक आपके लिए तैयार होगा. टॉपिक डेसाइल. डेसाइल आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इन टू 10 इक्वल पार्ट. अभी तक हमने पढ़ा कि टोटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं लूं कि ए से बी तक की हमारी लिमिट है, उसको डिवाइड करने वाले दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली हमें मिलता है मीडियन. ओके, फर्दर इस गिवन वैल्यू को डिवाइड करने वाले चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें मिलता है क्वार्टाइल रीजन, जिसको डिवाइड करता है लोअर क्वार्टाइल, डिनोट किया जाता है Q1 से. इस हिस्से को कहते हैं अपर रीजन, जो कि डिवाइड करता है क्वार्टाइल Q3, जिसे कहते हैं अपर क्वार्टाइल, और ये दो हिस्सों में इसको फिर डिवाइड करता है. तो एक गिवन रीजन, जो कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम मान कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो टेक्निक होती है वो आपकी क्वार्टाइल कहलाती है. अब इसी तरीके से इस गिवन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अगर मैं कहूं कि इसको मुझे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए मेरे लिए हेल्प करते हैं डेसाइल्स, जो कि हमारी गिवन टोटल फ्रीक्वेंसी को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो आई होप आपको मीडियन, क्वार्टाइल और डेसाइल का मतलब समझ में आया होगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसका फॉर्मूला. सबसे फर्स्ट डेसाइल को लिखने का तरीका आपको देखना होगा. देखिए फॉर्मूला सेम है, अगर आपने मेरी क्वार्टाइल की वीडियो देखी है तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां बहुत थॉरली डिस्कस किया था, वरना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. एल क्या है? क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट. प्लस I इज द विड्थ ऑफ द क्लास, जो क्लास आप सेलेक्ट करोगे n by 10 की हेल्प से, जो क्लास इंटरवल आप सेलेक्ट करेंगे उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी L, उस क्लास इंटरवल की विड्थ होगी I, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी F, लेकिन उस क्लास इंटरवल की प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल F. ओके, तो कैपिटल F क्या हुआ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. I क्या हुआ? विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास. L क्या हुआ? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. विड्थ ऑफ द क्लास. L क्या हुआ? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. F ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास. N बाई 10 आपको फाइंड करना है, जिसमें N इज योर टोटल फ्रीक्वेंसी. इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैंने क्या करा ना, ये आई बाय एफ को मैंने बाहर निकल के कॉमन करके यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब कुछ ऐसा है. तो ये याद करना थोड़ा इजी रहता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है फॉर्मूला. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड डेसाइल का फॉर्मूला देख लीजिए. एल प्लस आई बाय एफ, F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सिर्फ यहां पे सेकेंड डेसाइल है तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे N बाई 10 से, सिर्फ इतने का डिफरेंस है फॉर्मूला में. नेक्स्ट है डेसाइल 3, इसे थर्ड डेसाइल भी कहते हैं. फॉर्मूला देखिए सेम है, L प्लस I बाय एफ, ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई किया है हमने N बाय 10 से, माइनस कैपिटल F. तो इसी तरीके से फोर्थ डेसाइल, फिफ्थ डेसाइल, सिक्स्थ डेसाइल, सेवन्थ डेसाइल आप फाइंड कर सकते हैं. अब ध्यान से देखिए, अगर मैं फिफ्थ डेसाइल की बात करूं तो यहां पे हो जाएगा 5 बाय 10, 5n बाय 10, जो कि हो जाएगा कितना, n बाय 2. n बाय 2 हम किसके फॉर्मूला में लिखते थे, अगर आपको ध्यान होगा तो n बाय 2 फॉर्मूला बन जाता है मीडियन का, इसीलिए फिफ्थ डेसाइल को हम मीडियन कहते हैं. ओके, चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल एंड सेवेंथ डेसाइल. आपको थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है और सेवेंथ डेसाइल कैलकुलेट करना है, और आपको ये टेबल कुछ इस तरीके से दी गई है, जिसमें आपको डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में मिला है एक्स की जो वैल्यूज है, उसके पैरेलल में आपको मिला है हर एक क्लास इंटरवल पे डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, अब आप ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी हमें देखिए कैसी मिली है, बढ़ रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, तो दैट मींस जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है. तो हमें इसका मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए बनानी होगी. ध्यान से देखिए आंसर. सबसे पहले हमें टेबल समझनी है. टेबल में लेफ्ट साइड में जो कॉलम है, ये यहां पे मैंने ये क्लास इंटरवल्स कॉपी कर लिए हैं,
उसके बाद मैंने दी गई फ्रीक्वेंसी कॉपी कर ली है, उसके बाद मुझे यहां लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूं, फिर भी बताती हूं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट एवरी टाइम यू हैव टू एड 28, 22 + 38 विल गिव यू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 60। देखते हैं, 60 + 46, 106 + 35, 141 + 20, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल एन जो कि होता है समीशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम। अब वो हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं समीशन एफ। जब आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 161। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जो कि है थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल जिसको लिखते हैं Q3, के लिए हमें फाइंड करना होता है फॉर्मूला L+3n/4 - cumulative frequency × i/f। ये हो गया फॉर्मूला आपका थर्ड क्वार्टाइल का। थर्ड क्वार्टाइल के लिए अब हमें फाइंड करना है, देखिए 3n/4 सबसे पहले फाइंड करना है 3n/4, 3/4 ऐसे लिखते हैं और n की वैल्यू क्या थी 161। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 120.75। दिस इज द टर्म। इस टर्म के लिए ये टर्म कहां लाई करेगी देखते हैं, ये टर्म लाई करेगी इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स इसके अंदर। हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही देखा जाता है कि जो आने वाली टर्म है वो कहां लाई करिए। देखिए 106 तक तो इस क्लास में लाई कर रहे हैं, लेकिन 106 से लेके 141 तक की वैल्यूज इस क्लास में लाई कर रही है, तो हमारा नंबर है 120। 141 से छोटा है और 106 से बड़ा है, तो इसका मतलब 120 यहां पे लाई करेगा ना, 120th टर्म या 121th टर्म भी आप कह सकते हैं। तो हमारी जो क्लास इंटरवल आई है इसको Q3 से डिनोट कर लो ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें 7 डेसाइल के लिए भी क्लास इंटरवल फाइंड करनी होगी। तो 32-4 हमारा क्लास इंटरवल मिला है Q3 के लिए, जिसमें मैं लोअर लिमिट L की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या है 30। ओके, लोअर लिमिट टर्म, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल जैसी सारी टर्म्स मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में जो कि थी आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब विड्थ फाइंड करते हैं आई। आई क्या है 40 - 30 जो कि है 10। अब स्मॉल फ्रीक्वेंसी एफ, दिस इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ। देखिए इस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी लाई करेगी वही नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी। अब इस क्लास से प्रीवियस क्लास के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर Q3, तो दैट इज 106। ये सारी वैल्यूज आ गई, इनको फॉर्मूला में पुट करते हैं। Q3 का फॉर्मूला हमारे पास था L, L की वैल्यू हमें कितनी मिली है 30 + i, कितना था 10 अपॉन f, स्मॉल f है 35, ब्रैकेट में 3n/4 जो कि था ये, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 106। अब जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 34.21। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हमें फाइंड करना है सेवेंथ डेसाइल। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, सेवेंथ डेसाइल L + 7n/10 - cumulative frequency × i/f। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा 7n/10 × n। n हमारे पास यहां पे था देखिए 161, टोटल फ्रीक्वेंसी 161। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 112.7। अब आपको देखना है 112.7 कहां लाई करेगा। 112.7 आपका लाई करेगा यहीं पे, सेम जगह पे 112.7, तो यहीं पे लाई करेगा। इसका मतलब डेसाइल के लिए भी ये सेम ही क्लास इंटरवल यूज होगा, तो क्लास इंटरवल जो आपका यूज होगा वो होगा 30-40 वाला। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड आपकी फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट आपकी क्या बन जाएगी 30, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या बन जाएगी 35,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी क्या बन जाएगी, 106। एक प्रीवियस लेते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो इंटरवल मिला हो उससे प्रीवियस इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, विड्थ निकाल लीजिएगा 40 - 30 = 10। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 7th डेसाइल या इसको D7 भी कहते हैं, जो कि है लोअर लिमिट 30 प्लस 10 अपॉन 35 इनटू 112.7, दैट इज 7n/10 की वैल्यू ये थी, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 106। जब आप इस 31.91, दिस इज योर फाइनल आंसर से शुरू करी थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया डेसाइल के बारे में और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, वो बहुत ध्यान से लर्न करने होंगे स्पेशली, और इनके बारे में बहुत ध्यान से पढ़िए कि फॉर्मूलाज में जो टर्म्स आ रहे हैं उनके क्या स्पेसिफिक मीनिंग है। ओके, तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटाइल के बारे में, परसेंटाइल को पढ़ेंगे हम डिटेल में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपका डेसाइल का टॉपिक तैयार हुआ हो, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। गुड लक।